हेलो ऑल ऑफ यू। तो आज मैं ट्राई कर रही हूँ एक फिलिपिनो डिश, चिकन अडोबो फ्राइड राइस। ये मेरी बेटी का डिमांड है कि आज उसको खाना है ये, तो चलिए ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले एक फ्राइंग पैन में मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल ले रही हूँ 2 टेबल स्पून। अब उसको हल्का सा गरम करेंगे और ढेर सारा गार्लिक है यहाँ पे, 2 पूरा गार्लिक जिसको अच्छे से चॉप कर लिया है, तो उसमें से आधा मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। फ्लेम लो टू मीडियम रखें और थोड़ा सा इसको हल्का हल्का सॉटे करें। ओके, अब यहाँ पे 2 ब्रेस्ट पीस है चिकन के, जिसको मैंने ऐसे क्यूब्स में काट लिए हैं। बोनलेस चिकन ही चाहिए इसके लिए। नाउ मिक्स इट वेल, तब तक जब तक इसके कलर चेंज हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे 4-5 होल ब्लैक पेपर और 1 तेज पत्ता। हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें डालेंगे हम, ये वाइट विनेगर है, तो 4 टीस्पून वाइट विनेगर। और साथ ही में डालेंगे डार्क सोया सॉस, वो भी 4 टीस्पून। और कुछ नमक वगैरह मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी सोया सॉस बहुत ज़्यादा सावर होता है, सॉल्टी भी होता है। अच्छे से इसको मिक्स करें। अब 1 टीस्पून चीनी, और ये डालना है सो दैट कि सारे टेस्ट अच्छे से बैलेंस हो जाएं। तो बस अब इसी के साथ जब तक चिकन अच्छे से कुक हो जाए, हम लोग हल्के हल्के चलाते हुए इसको ऐसे फ्राई करेंगे, कुक करेंगे। ये देखिए 5 मिनट तक लग गए मुझे। अब हम इसको एक अलग डिश में निकाल लेंगे। तो चिकन का पार्ट हमारा रेडी है। अब फिर से एक पैन में हम 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डालेंगे। ये रेसिपी बेसिकली ऑलिव ऑयल में ही रेडी होता है, मैंने देखा था। तो अब जो बचे हुए गार्लिक्स थे उनको डाल देंगे। फ्लेम आपका बिल्कुल मीडियम पे रहे। एंड अगेन अब हम धीरे धीरे जो भी वहाँ पे सूप केस जैसा निकला है उसको अलग करते हुए सिर्फ चिकन के पीसेस को इन गार्लिक के साथ डालेंगे। ये देखिए सोया सॉस और चिकन के कुछ जो निकलता है जूस उसका और विनेगर का, उसको हम लोग बचा के रखेंगे, वो हमें बाद में लगेगा। तो सिर्फ चिकन के पीसेस को अब थोड़ा सा हल्का हल्का फ्राई करेंगे। और अब राइस, ये पहले से कुक हुआ राइस है, लेफ्ट ओवर राइस कह सकते हैं आप इसको, सारे डाल देंगे। ये एक पोर्शन है, एक जैसे पोर्शन कोई खा सकता है, बस उतना ही है। बस अब इन चिकन के साथ राइस को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप फ्लेम थोड़ा हाई कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट अपने एंड पे है कुकिंग के। चलिए अच्छे से मिक्स हो गया है ये। अब हमें यहाँ पे कुछ स्प्रिंग ऑनियन के ग्रीन पार्ट्स थे वो मैंने डाले हैं, को भी मिक्स कर लिया है। एंड नाउ ये जो बचा हुआ सूप की तरह था उसको भी हम
राइस के ऊपर ऐसे डाल देंगे, ऐसे अच्छे से स्प्रेड करते हुए, और उसको मिक्स करेंगे। बस दैट्स इट, फिलिपिनो चिकन अदोबो फ्राइड राइस इज रेडी फॉर यू। बहुत स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आ रहा है, बहुत अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से खाने में, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप कि आपके बच्चों को अच्छा लगेगा ये। डिश इट आउट, और बस साइड डिश की ज़रूरत नहीं है इसके साथ, आप ऐसे ही खा सकते हैं। सो एंजॉय योर रेसिपी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।